गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में है ना कक्षा 5 में पार्ट 5 ही, दोनों 5 ही है, कक्षा भी 5 और पार्ट भी 5 में क्रिया पढ़ेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया देखिए, क्रिया का अर्थ होता है काम। क्रिया का अर्थ क्या होता है? काम। यानी कोई भी हम लोग जो कार्य करते हैं, काम करते हैं, उसी को क्रिया कहते हैं। इसको परिभाषित रूप में देखिए कि जिन है ना, जिन क्रिया शब्दों, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। जैसे आना, खेलना, पढ़ना आदि। यानी हम लोग कोई भी कार्य तो करते ही है ना, चाहे वह उठना, बैठना, खाना, टहलना, ये सब जितनी भी क्रिया हम लोग करते हैं वो क्या है? क्रिया शब्द है। क्योंकि वो कोई ना कोई रूप में तो कार्य हो रहा है ना, काम तो हो रहा है। चाहे वो हम खाना ही क्यों नहीं खा रहे हैं, यानी काम जो है क्या कर रहे हैं? खाना खाने का। अगर हम टहल रहे हैं तो टहलने का कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से पढ़ना है तो पढ़ना भी जो है एक क्रिया है। पीटीसी जितने भी कार्य हम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। आप लोग को इसी चैप्टर में है, दूसरा नंबर में पढ़ना है काल। दूसरा नंबर में क्या पढ़ना है? काल है ना। काल जो है, काल को देखिए तो काल किसी भी क्रिया के होने या घटने के समय को काल कहते हैं। यानी कोई भी कार्य जो है हम लोग करते हैं है ना, तो उसको समय का पता चलना चाहिए ना, कि हम लोग कार्य जो कर रहे हैं वो किस समय कर रहे हैं है ना। तो काल का अर्थ होना होगा समय। यानी कोई भी कार्य को करने या घटने के समय को हम काल कहते हैं। यानी कौन काल में हमने कार्य को पूरा किया या कर रहे हैं। काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद? 3 भेद। एक में है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा है भविष्यत काल है ना। तो भूतकाल देखेंगे कि भूतकाल क्या है ना। तो भूतकाल जो है, भूतकाल जो समय बीत चुका हो, यानी जो समय बीत गया उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे चाय गर्म थी, चाय क्या थी? गर्म थी, अभी है नहीं, यानी पीछे की बात बता रहा है, बीते समय की बात बता रहा है। या रेलगाड़ी जा चुकी है, रेलगाड़ी क्या हो गई? वो चली गई, यानी जा चुकी है, पहले की बात है। तो इसीलिए जो समय बीत चुका हो उसे भूतकाल कहते हैं। दूसरा है वर्तमान काल है ना, जो काम वर्तमान समय में हो रहा है। जैसे मैं लिख रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये जो कार्य जो है कब हो रही है? इस समय हो रही है ना, यानी मौजूद समय में, यानी वर्तमान समय में वह कार्य पूरा हो रही है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नेहा नाच रही है, नेहा नाच रही का मतलब हो गया कि नेहा जो है अभी नाच रही है ना। वह खाना खाता है, यानी यह वाक से यह पता चलता है कि वह अभी खा रहा है, यानी वर्तमान समय। तीसरा है आपका भविष्यत काल। भविष्यत काल यानी जिस समय से क्रिया के आने वाले समय में है ना होने की संभावना हो, यानी आने वाले समय में जो कोई भी कार्य हो उसे हम भविष्यत काल कहते हैं है ना, यानी भविष्य में, यानी आगे। जैसे मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगी, यानी कल अगले दिन के बारे में वो बता रहे हैं कि मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगी। शायद वर्षा होगी, यानी आगे दिन के बारे में, यानी भविष्य में वर्षा होगी, माने अभी हो नहीं रही। फिर है हम आगरा जाएंगे, अब कब जाएंगे या स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहा है, लेकिन जाएंगे, यानी भविष्य की बात बता रहा है, तो इसे भविष्यत काल में ही
कहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप क्रिया और काल के बारे में समझें, काल को ठीक से समझेंगे। भूतकाल का मतलब हो गया बीते हुए समय में काल, वर्तमान काल में मौजूद समय में हो रहा काल, और भविष्य काल में यानी भविष्य में होने वाले कार्य को भविष्य काल कहते हैं। तो आपके चैप्टर में जो है दो ही पढ़ना था, क्रिया और काल, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताया। चैप्टर अब आप लोग का समाप्त हो गया। थैंक यू।